गुड मॉर्निंग गाइस, ये आप देख सकते हैं BML का एक्सकवेटर BE1000 का अपर स्ट्रक्चर है। और ये अपर स्ट्रक्चर में क्या क्या है आपको बताता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये नीचे वाला जो है ये एच फ्रेम है, ये जो अंडर कैरेज पे माउंट होगी। और ये दो पिन आप देख सकते हैं जिसमें बूम सिलेंडर लगेगी, और ऊपर का दो पिन देख सकते हैं जिसमें अपना बूम लगेगी, बूम असेंबली। बाकी ये देख सकते हैं यहाँ पर बैटरी है, इसके अंदर बैटरी बॉक्स है, यहाँ पर दो हॉर्न लगा हुआ है, और ये चढ़ने के लिए फुटरेस्ट है। बाकी यहाँ देख सकते हैं नीचे HLED हेडलाइट है इसका। बाकी ये देख सकते हैं ये फ्रंट स्विंग मशीनरी है, और ये इसके ऊपर केबिन माउंट होने वाला है। ये जो देख सकते हैं आप जो बॉक्स टाइप पे है वो केबिन रखा हुआ सामने में, ये केबिन है जो इसके ऊपर माउंट होगी। बाकी और ऊपर आपको ले कर चलते हैं, ऊपर दिखाते हैं। और जैसे ही ऊपर चढ़ते हैं यहाँ पर देख सकते हैं नीचे में ये डीजल टैंक का कैप है, डीजल टैंक है इसके नीचे में, जिसकी कैपेसिटी 1100 लीटर है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं आप रियर स्विंग, ये जो है रियर स्विंग मशीनरी है। बाकी ये दोनों साइड का कंट्रोल वाले असेंबली है, ये राइट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड है। इस साइड ये हाइड्रोलिक टैंक है जिसकी कैपेसिटी 1200 लीटर, इसमें ऑयल यूज़ होता है SAE 30। और वो डीजल टैंक के बगल में आप देख सकते हैं ऑयल कूलर लगा हुआ, जो हाइड्रोलिक ऑयल की कूल करती है, जिसमें फ़ाइन भी है, जिसको ड्राइव इंजन से मिला है। बाकी ये पीछे में इंजन देख सकते हैं आप, कमिंस का इंजन रखा हुआ है, लगा हुआ है, जिस 6 सिलेंडर इंजन है 4 स्ट्रोक। और ये अंदर में देख सकते हैं यहाँ पर ये अल्टरनेटर है, बाकी यहाँ फ़ैन है, और पीछे में देख सकते हैं उसके फ़ैन के पीछे में रेडिएटर जिसकी कैपेसिटी 130 लीटर है। बाकी ये देख सकते हैं सारा स्टील ट्यूब का कनेक्शन है, ये सारी स्टील ट्यूब है। और बाकी ये रिटर्न लाइन फिल्टर है हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये सर्किट बॉक्स है, ये इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के लिए है, अगर इलेक्ट्रिकल कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो वो ये सारी ट्रिप हो जाएगी। बाकी ये बॉक्स को लगा देते हैं, तो ये ऑटो फायर का सिस्टम दिया हुआ है, जिससे अगर इक्विपमेंट में मशीन में आग लग लगती है तो ये ऑटो फायर ऑटोमेटिक स्प्रे हो जाएगी पूरी इक्विपमेंट में। ये आप देख सकते हैं जितने भी पॉइंट दिया हुआ है, इसमें सारी होसेस अटैचमेंट होस लगेगी, जिससे बूम आर्म बकेट के लिए। और ये आप देख सकते हैं ये ऑयल कूलर है, ऑयल कूलर, हाइड्रोलिक ऑयल कूलर का बाहर का व्यू है, और ये रेडिएटर का बाहर का व्यू है, इसके अंदर रेडिएटर है जो इंजन की कूल करती है। इंजन का पोर्शन पीछे का देख सकते हैं, पीछे से दिखा रहा हूँ, ये सेल्फ स्टार्टर लगा हुआ है 24 वोल्ट की, और ये वहाँ पे अल्टरनेटर लगा हुआ है देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे पीछे आएंगे तो यहाँ पे PTO है, ये PTO है, PTO से माउंटेड है ऊपर में, तीन पंप लगी हुई है, ऊपर का स्विंग पंप है जो स्विंग करती है मशीनों को। बाकी दो मेन पंप लगा हुआ है, एक ये पंप है, इसके पीछे एक और पंप है, मेन पंप लगा हुआ है और एक पायलट पंप लगा हुआ है, टोटल 4 पंप लगा हुए हैं इस पर। बाकी ये देख सकते हैं आप इसका, ये अंडर कैरेज का असेंबली, ये देख सकते हैं आप, ये मोटर लगा हुआ है, दो मोटर जो इसको अंडर कैरेज को रोटेट करती है, स्प्रॉकेट है ये, और ये बड़ा सा ट्रैक चैन है, ये चैन है पूरा। और ये तीन जो रोलर दिख रहा है आपको, ये रोलर है, कैरियर रोलर, जो चैन को कैरी करके रखती है। और नीचे आप देख सकते हैं नीचे जो रोलर लगा हुआ है ये सब है ट्रैक रोलर, और ये गार्ड लगी हुई, 3 गार्ड, ताकि ट्रैक चैन बाहर ना आए। और ये पूरी 8 ट्रैक रोलर है और 3 कैरियर रोलर है। और इस साइड देख सकते हैं आप ये आर्म रखा हुआ है, ये आर्म है, ये आर्म का देख सकते हैं आप, आर्म सिलेंडर है, ये आर्म है पूरा, आर्म असेंबली, जो भी फिटमेंट होगी आगे वीडियो आएगी इसकी फिटमेंट की भी, इसका लिंक है ये बकेट में फिट होगी, ये लिंक सेंट्रल लिंक है, साइड लिंक है। अंडर कैरेज की 2 भाग में यूनिट है, LHS राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ये दोनों असेंबल होगी। और ये देख सकते हैं ये बूम है, ये पूरी अपनी बूम असेंबली है, इसके ऊपर आर्म सिलेंडर एक लगा हुआ है, ये बूम असेंबली है, और ये अपना ये आप देख सकते हैं दोनों बूम सिलेंडर है, जो भी फिट होगी पूरी। और ये एग्जॉस्ट मफलर है। बाकी ये एक्सकवेटर की बकेट है जिसकी कैपेसिटी 5 टन है, एक बार में 5 टन इसमें माल उठा सकते हैं। बाकी ये देख सकते हैं इसका साइड व्यू, और इसका ये टूथ पॉइंट है, ये टूथ पॉइंट है जिसको दाता भी बोलते हैं,
ये टोटल 5 नंबर्स की लगती है। अब ये साइड कटर है और ऊपर ये अटैचमेंट होगी इसमें आर्म में। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। इसकी आगे असेंबली की पूरी वीडियो आने वाली है। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।